आपको प्रकृति से एक संकेत मिलता है और सबको उस संकेत को जानना होगा, पकड़ना होगा। इस साल का संकेत रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठापन से प्राप्त हो गया और इस साल शिवरात्रि भी हुआ था, सुबह वुमेन्स डे भी हुआ था। और कई सालों से जो नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे अजूबे हो रहे हैं। अगर इंसान इस बार अपना दायित्व निभाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलेगा तो इतिहास के पन्नों में उसका नाम नहीं होगा। लेकिन बताए तो सही इतिहास के पन्नों में अयोध्या के रामादेव बनने के साल में कौन थे? इसी प्रकार जब इतिहास को बदलना होता है, उस साल जिसमें इतिहास को हम लिखना पड़ता है, लिखने का मौका मिलता है, वो साल जो लोग वहां उपस्थित होते हैं वो यादगार बन जाते हैं। कोई भी राक्षस या कोई भी अधर्म के वध ऐसे ही नहीं हो जाती है जब तक हम लोग बात नहीं करते हैं। इसको याद रखिए, क्योंकि इंसान का सोच ये रहता है मुझे क्यों करना है, कोई आ गया वो करके निकलेगा, नहीं होता वैसे। जब तक हम सब अपने दायित्व को न समझे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये दायित्व सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आगे बढ़ने वाले हर उस बच्चा के लिए और बच्ची के लिए, जैसे हम माता पिता बनकर जीते हैं अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए, इसी प्रकार अगर हमको इतिहास बदलना है तो स्वार्थी तो बदलना पड़ेगा। कोई साल बाहर निकलिए, हमारे भी देश में हम हिंदुत्व को हाथ में ऐसा पकड़े डरे निकल गए हैं। घर बड़े लिखे होना, बड़े बड़े नौकरी करना का मतलब ये नहीं हम ये कह दें कि भगवान ही नहीं है। सबसे